नमस्कार दोस्तों, संजय गायक के चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम इस वीडियो में बताने जा रहे हैं पेट्रोल सब्सिडी योजना के बारे में, जो झारखंड सरकार की एक लाभकारी योजना है। जितने भी बीपीएल धारी राशन कार्ड हैं, उनको 250 रुपये की पेट्रोल सब्सिडी दी जा रही है। अभी जितने भी राशन कार्ड धारी हैं, उनको काफ़ी असमंजस है कि हमें कितना पेट्रोल भरवाना होगा। तो जो सरकार की योजना है, उसके अंतर्गत आपको प्रति लीटर 25 रुपया, यानी 10 लीटर मैक्सिमम 250 रुपये आपको सब्सिडी के रूप में आपके बैंक खाते में डीबीटी के माध्यम से दी जाएगी। लेकिन सभी व्यक्तियों को यह असमंजस है कि हमें कितना लीटर पेट्रोल भरना है। क्या हर महीने हमें 10 लीटर का पेट्रोल भरवाना होगा? तो हम आपको स्पष्ट करना चाहते हैं कि आपूर्ति विभाग ने यह स्पष्ट कर दिया है कि आप चाहे पेट्रोल भरवाएं या नहीं भरवाएं, आपको 10 लीटर के हिसाब से, यानी 250 रुपये आपको डीबीटी के माध्यम से आपके बैंक खाते में 250 रुपये की सब्सिडी दी जाएगी। लेकिन आपको कुछ जो पॉइंट्स है, आपको ध्यान में रखना होगा। अगर आप सभी शर्तों को पूरा करते हैं, जैसे कि जो सीएम सपोर्ट ऐप है को डाउनलोड कर मोबाइल से आप रजिस्ट्रेशन करते हैं, या वेबसाइट के माध्यम से रजिस्ट्रेशन करते हैं। रजिस्ट्रेशन करने का जो तरीका है, आपको गूगल में आपको टाइप करना होगा ahar.jharkhand.gov.in या झारखंड PDS। जैसे ही गूगल पर टाइप करेंगे, जो पहला लिंक आएगा आपका झारखंड PDS का, उस पर आप क्लिक करके वेबसाइट के अंदर जा सकते हैं। उसमें आपको जो दोनों लिंक आपका चलता हुआ नजर आएगा। अगर आप पहला लिंक क्लिक करते हैं, तो आपका जो मोबाइल का जो ऐप है, सीएम सपोर्ट ऐप है, उसको डाउनलोड करके मोबाइल में रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। या वेबसाइट के माध्यम से अगर रजिस्ट्रेशन करना चाहते हैं, तो नीचे का लिंक क्लिक करके आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। अगर आप सही तरीके से इसका रजिस्ट्रेशन करते हैं, तो DTO आपको अप्रूवल देंगे। अप्रूवल होने के बाद आपका जो 250 रुपये की जो सब्सिडी है, आपके बैंक खाते में DBT के माध्यम से आपको दे दी जाएगी। जितने भी राशन कार्डधारी हैं, चाहे वो आपका PH का हो, अंत्योदय का हो, या आपका ग्रीन कार्ड, सभी को इसका लाभ आपको मिलेगा। बट आपको रजिस्ट्रेशन करने के लिए आपको बस आपका आधार संख्या होना चाहिए, राशन कार्ड संख्या होना चाहिए, और आधार लिंक मोबाइल नंबर आपके पास होना चाहिए। इसको आपको पुटअप करना होगा। अगर मोबाइल में अगर आप नंबर जब डालेंगे, तो आपका एक OTP आपको जाएगा। OTP को आपको सबमिट करना होता है उसमें। उसके बाद आपका जो भी आपका वाहन संख्या है, उसको आपको डालना होगा। उसके बाद नीचे आपका ऑप्शन आएगा DL, यानी ड्राइविंग लाइसेंस को डालने के लिए, तो ड्राइविंग लाइसेंस भी आपको डालना होगा। अगर आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है, तो कोई बात नहीं, क्योंकि इसमें ड्राइविंग लाइसेंस की अनिवार्यता नहीं दी गई है। आपको वाहन संख्या डालना है, ड्राइविंग लाइसेंस डालना है, उसके बाद आपका जो OTP आया हुआ है उसको डालना है। अगर आपके पास DL नंबर नहीं है, तो कोई बात नहीं, ठीक है। उसके बाद आपको सबमिट कर देना है। आप जैसे ही सबमिट करेंगे, आपका जो रजिस्ट्रेशन करेंगे, जो आवेदन है आपका DTO के लॉगिन में चला जाएगा। वहां से अप्रूवल होने के बाद जिला आपूर्ति विभाग में जाएगा। वहां से अगर आपका अप्रूवल हो गया, तो DC साहब इसका अप्रूवल देंगे, और आपका जो भी आपका सब्सिडी का जो पैसा है, आपको DBT के माध्यम से आपके बैंक खाते में डाल दी जाएगी। अगर आवेदक का बैंक खाता आधार से लिंक नहीं है, तो इसके मुखिया, जो राशन कार्ड के मुखिया हैं, उनके अकाउंट में यह जो राशि है डाल दी जाएगी। अगर सब्सिडी योजना के बारे में और अधिक जानकारी चाहिए, तो हमने 2 वीडियो पहले भी बनाया गया है। अगर आपको इसका लिंक चाहिए, तो हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे और आई बटन में दे देंगे। वहां से क्लिक करके हमारे दोनों वीडियो को आप देख सकते हैं, जिससे आपको पेट्रोल सब्सिडी योजना के बारे में और से अधिक आपको जानकारी प्राप्त हो जाएगा। दोस्तों, हम आपके लिए अच्छी और इन्फॉर्मेटिव वीडियो लाते रहते हैं। यह वीडियो आपको कैसे लगी, हमें जरूर बताएं। अगर फिर भी आपके मन में किसी तरह का प्रश्न उठ रहे हैं, तो हमें कमेंट करें, हम आपको उसका जवाब देंगे। तो हमारे वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब करना न भूलें, तथा बेल आइकन को क्लिक करना न भूलें, जिससे आपके पास हमारे सारे वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके, तथा हमें काफ़ी मोटिवेशन मिलेगा, तथा हम आपके पास और भी अच्छी अच्छी वीडियो आपके पास पहुँचाते रहेंगे। धन्यवाद।